स्टूडेंट्स, आज हम कंबशन इन सीआई और डीजल इंजन देखते हैं। तो बेसिक डिफरेंस नहीं होता, सीआई इंजन और डीजल इंजन एक ही चीज़ है। सीआई और डीजल इंजन का मतलब ही सेम होता है, ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं। सर, ये सेम क्यों है? देखो, सीआई का मतलब होता है कंप्रेशन इग्निशन, और डीजल इंजन तो वैसे ही डीजल इंजन है। कंप्रेशन इग्निशन क्यों? जैसे सपोज मैंने मान लिया ये हमारा पिस्टन है, सिलेंडर मान लिया, इसके अंदर ये पिस्टन है, ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक है। तो हम ये जब इनलेट वाल्व ओपन करते हैं फर्स्ट केस में, तो इधर से सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पहले एयर आती है, और जब हम इसको पिस्टन जब ऊपर जाता तो इसको एयर को कंप्रेस करता है, तो कंप्रेस होने के कारण एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हम विद यूज़ ऑफ नोज़ल, नोज़ल यहाँ लगा होता है, हम डीजल को इंजेक्ट करते हैं छोटी छोटी फाइन ड्रॉपलेट्स में। तो ये जो कंप्रेस्ड एयर आती है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो ये कंप्रेस्ड टेम्परेचर, जो कंप्रेस्ड जो एयर है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो ये जो फ्यूल पार्टिकल्स हैं, ये जो मैंने शो किए हैं डॉट से, फ्यूल पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर ये फ्यूल पार्टिकल्स बर्न हो जाते हैं, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो करके हम इसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये देखो ये कंप्रेस हो रहा था, तो कंप्रेशन के कारण एयर कंप्रेस होती है, तो उसके कारण इसको जो फ्यूल जो ड्रॉपलेट्स में है उसको आग लगती है, तो करके हम इसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं। यानी डीजल इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन में कोई फ़र्क नहीं है, ये एक इंजन के दो नाम हैं। चलो सर, ये समझ में आ गया। तो अब सबसे पहले हम देखना है व्हाट इज़ द एसेंशियल कंडीशंस फॉर गुड कंबशन, मतलब गुड कंबशन होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए इन द केस ऑफ डीजल इंजन। तो हमें ये मालूम है, फ्यूल बर्न्स आफ्टर वेपोराइजेशन, जब तक ये जो फ्यूल पार्टिकल्स जो ब्लैक डॉट्स हैं ये वेपोराइज नहीं होते, तब तक आप फ्यूल को आग नहीं लगा सकते, यानी ये वेपोराइज होंगे। हैंस फ्यूल इंजेक्टेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, मतलब एक बहुत बड़ी बूंद, अगर आप इसकी डीजल की बहुत बड़ी बूंद डाल दो तो इसको आग नहीं लगती, क्योंकि देखो आग लगने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इसको ऑक्सीजन बाहर से इतना लग रहा है। अगर यही जो पार्टिकल है ये छोटी छोटी बूंदों में, यानी यूं 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 ड्रॉपलेट्स में आ जाएँ, तो इनको बहुत जल्दी बाहर से एयर मिलेगी, तो ये बर्न बहुत जल्दी ईजिली हो जाते हैं। तो करके हम उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में करते हैं, भी हम जो इसका जो सरफेस एरिया है बढ़ा देते हैं। किसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं? फ्यूल ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया, ऑफ फ्यूल ड्रॉपलेट्स इंक्रीजेस, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा भी है, मैक्सिमम सरफेस एरिया। नाउ सेकंड जो कंडीशन दी है गुड कंबशन की, हीट रिक्वायर्ड फॉर द वेपराइजेशन ऑफ फ्यूल इज टेकन फ्रॉम द कंप्रेस्ड एयर, जो कंप्रेस्ड एयर है उसी से, वो मैंने बता दिया आपको, कंप्रेस्ड एयर से लेते हैं। बट दिस हीट अलॉन इज नॉट सफिशियंट टू कम्प्लीट वेपराइज ऑफ फ्यूल, लेकिन ये जो जब हम इसको कंप्रेस करते हैं, ये पूरी हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती भी सारे फ्यूल को वेपराइज कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो एयर जो इसके अंदर है, जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, उसको हम घुमाते हैं। सर, घुमाने का क्या मतलब है? यानी उसको स्विर्ल करते हैं कि ऐसे घूमें ये पूरा जो हीट है यहाँ से लेके सारे कंबशन चैम्बर में, यानी ट्रैवल करे, तो सारे कंबशन ट्रैवल में ट्रैवल करे कि जो आग है बड़ी जल्दी लग जाए। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि सपोज़ ये था हमारा पिस्टन, तो ये जो एयर है इसके अंदर, एयर फ्यूल मिक्सचर, वो यूं यूं घूमे कि सारे पार्टिकल्स को क्या लग जाए, आग लग जाए। चलो सर, ये हमें क्लियर हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, दीज आर द फोर स्टेजेस ऑफ कंबशन इन सीआई इंजन। तो ये समझनी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, पहले आपको दो तीन चीज़ों की क्लियरेंस होनी चाहिए। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, इसमें एक चीज़ देखने वाली है, अभी सर ने एक स्ट्रेट लाइन खींच के पहले एक साइकिल ये बना दिया है, और इधर लिख दिया है मोटरिंग। देखो ये मैंने लिखा हुआ है मोटरिंग, ये आपकी हेल्प के लिए मैंने साइड में जगह रखी है, ये मैंने यहाँ पर मोटरिंग लिखा है। मोटरिंग का मतलब क्या है? आपने फ्यूल इंजेक्ट ही नहीं किया, फ्यूल इंजेक्ट ही नहीं किया। तो सिर्फ फ्यूल इंजेक्ट नहीं किया तो क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ एयर को ही आपने पिस्टन के अंदर डाला सक्शन स्ट्रोक में, फिर वो सक्शन के बाद कंप्रेस हुई, कंप्रेस इतनी ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा कंप्रेस कब होगी? जब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर पे चल जाएगा। तो ये टॉप डेड सेंटर की कंडीशन है, उसके बाद पिस्टन दोबारा, ये कंप्रेस हो रही थी, एयर कंप्रेस होती होती ऊपर गई, ये जा रही है, ये टीडीसी पे आ गई, फिर एक्सपेंड हो गई, तो इसका प्रेशर ऐसे कम हो गया। तो ये जो लाइन है मेरी, ये वाली, ये प्रेशर की लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये प्रेशर है, और ये एक्चुअली में ये क्रैंक एंगल है, क्रैंक एंगल, ठीक है। चलो सर, ये भी समझ में आ गया। तो अभी जो फोर स्टेज में सबसे पहली स्टेज ही थोड़ी टफ है, बाकी सारी स्टेज की एक्सप्लेनेशन बहुत थोड़ी है।
तो इसके मैंने आगे स्लाइड्स बनाई हुई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई पहले आप मुझसे वैसे सुन लीजिए, प्री फ्लेम कम्बशन और इग्निशन डिले क्या होता है पहले ये समझे। अभी ये मैं सोचता हूँ, ये जो मोटरिंग वाली ये जो पूरी लाइन बनाई है ये अब आपको क्लियर हो गई है। सर ये क्लियर है, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम मोटरिंग वाली लाइन बंद कर देते हैं। यानी ये जब हमने सिर्फ एयर डाली है तो ये उसकी बातें हैं, तो एयर में ऐसा सब कुछ हुआ था। चलो सर, अब फ्री फ्लेम कम्बशन इग्निशन डिले क्या होता है और इग्निशन डिले, ये दोनों एक ही नाम है तो ये हमें क्लियर होना चाहिए भी, दोनों एक ही चीज़ हैं ये। तो अभी हम क्या करते हैं इसको समझते हैं पहले भी, प्री फ्लेम क्या है। सुनो, प्री फ्लेम क्या है, जब आप ये मैंने पिस्टन सिलेंडर बनाया और ये पिस्टन है, तो अभी ये टॉप डेड सेंटर पे नहीं है पिस्टन मेरा, तो यहाँ से जो हमारी जो एयर पार्टिकल्स थे, यहाँ पर एयर पार्टिकल थे ये सारे, ग्रीन कलर जो है ये एयर ले लीजिए, तो ग्रीन कलर यहाँ पर लिख देता हूँ, ग्रीन कलर हमारी एयर है। उसके बाद में क्या हुआ, हमने ये मैंने ब्लू कलर का डीजल ले लिया, तो यहाँ से ये डीजल पार्टिकल जब आप पहले, ये हमारा इंजेक्टर है तो ये इसने डीजल पार्टिकल यहाँ पर घेर दिए ब्लू कलर के डीजल पार्टिकल से। चलो सर ये भी समझ में आ गया। अभी हुएगा क्या, प्री फ्लेम का मतलब है, प्री फ्लेम का मतलब ही ऐसा है भी अभी फायर नहीं हुई, फायर नहीं हुई तो क्या होगा सर, फायर नहीं हुई तो क्या होगा, जैसे ही एयर और ये फ्यूल जब मिक्स होगा, जैसे आप चीज़ सोचिए, जैसे आपने कोई लकड़ी रख दी या कोई चीज़ रख दी, तो उसको जब आप आग में रखेंगे तो उसको एकदम आग नहीं लगती, पहले वो चीज़ गर्म होती है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, ये जो फ्यूल है जब हॉट एयर से, जो कंप्रेस्ड एयर से ये कंप्रेस कर रहा है ये पिस्टन, इसको तो एयर कंप्रेस्ड है, तो वो हॉट एयर से जब टच होगा ना फ्यूल पार्टिकल्स इसके, तो वो थोड़े थोड़े गर्म होंगे, तो जब गर्म होंगे तो मतलब हम कह सकते हैं वो थोड़े से पहले तो हीट अब्जॉर्ब करेंगे, एयर से हीट अब्जॉर्ब करेंगे, जब एयर से हीट अब्जॉर्ब करेंगे तो इस सिस्टम का जो प्रेशर है पहले से कम हो जाएगा। देखो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको सुनो ध्यान से, जब ये दोनों, जब ये हीट जो प्रोड्यूस हुई थी अंदर, जो एयर के कारण, जो कंप्रेस एयर के कारण जो हीट थी, वो हीट अब पहले से कम हो रही है, क्योंकि ये जो हमारे ब्लू ड्रॉपलेट्स हैं जो इसके डीजल के, वो उसकी हीट ले रहे हैं, तो वो हीट ले रहे हैं तो सिस्टम का जो प्रेशर है वो कम होना शुरू हो गया, तो वो प्रेशर कम होना शुरू हो गया, यानी मैंने बोला वो ये जो पार्टिकल्स हैं ये देखो, अभी मैं सही सही आपको ये शो करना चाहता हूँ भाई, वो प्रेशर मेरा ए टू बी चला गया, तो सर क्योंकि वो प्रेशर कम हो रहा है तो करके वो ए टू बी चला गया। अब बी के बाद क्यों ये प्रेशर सी तक राइज हो रहा है, क्योंकि प्री फ्लेम में क्या होता है, पहले जैसे दोबारा से सुनते हैं हम इसको, जो एयर का टेम्परेचर था वो ज़्यादा था टेम्परेचर, और जो फ्ल्यूड, जो हमारे फ्यूल पार्टिकल थे डीजल पार्टिकल, उसका टेम्परेचर बिल्कुल है ही नहीं था, तो ये टेम्परेचर डीजल पार्टिकल ने लिया तो प्रेशर कम हो गया। अब क्या हुआ, जब डीजल पार्टिकल गर्म हो गए तो अब डीजल ने एनर्जी जनरेट करनी है, यानी टेम्परेचर जनरेट करना है, तो अब टेम्परेचर जनरेट हो गया, यानी अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, मतलब अब सिर्फ कंप्रेस्ड एयर के कारण ही टेम्परेचर नहीं है, अब फ्यूल भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गर्म हो रहा है, तो वो भी एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो एनर्जी जनरेट करने के कारण इस पूरे जगह में प्रेशर इंक्रीज हो गया, यानी वो बी टू सी। तो ये जो ए टू सी है, इस पूरी कंडीशन में डीजल को फायर नहीं लगी है, तो डीजल को फायर नहीं लगी है तो यानी आग नहीं लगी, तो इसको हम प्री फ्लेम कंबशन और इग्निशन डिले पीरियड कहते हैं। सर अभी ये प्री फ्लेम कम्बशन कुछ समझ में आया, सर अभी इग्निशन डिले को क्लियर करो, सर ये इग्निशन डिले क्या होता है, तो इग्निशन डिले को क्या क्लियर करते हैं, देखिए सुनिए इग्निशन डिले के बारे में, अभी मैं दोबारा से ये चीज़ समझाता हूँ आपको। जब जब ये आग ही नहीं लगी तो फ्यूल ने सबसे पहले, प्री फ्लेम कम्बशन और इग्निशन डिले में क्या होता है, पहला जो फ्यूल है उसको समय लगता है ड्रॉपलेट्स बनने में, ड्रॉपलेट्स बनते हैं, ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, एटोमाइज होते हैं, एटोमाइज में छोटे छोटे ड्रॉप्स हो गए, फिर वो क्या होते हैं, वेपोराइज होते हैं, तो इस सब को, एटोमाइज और वेपोराइज को, इसको कहते हैं फिजिकल डिले। कौन सा डिले, फिजिकल डिले, मतलब ये फिजिकल डिले है, यानी इग्निशन डिले में पहला डिले है फिजिकल डिले। सर अब इसके बाद कौन सा डिले होता है, फिजिकल डिले के बाद होता है केमिकल डिले। सर केमिकल डिले क्या होता है, देखो फ्यूल को ना एकदम आग नहीं लग जाती, तो केमिकल रिएक्शन होते हैं फ्यूल और एयर में, तो उस समय में थोड़ा समय लगता है उस चीज़ को, तो उस चीज़ में जो आग नहीं लगी वो जो डिले पीरियड है केमिकल डिले। जनरली केमिकल डिले बहुत छोटा होता है और फिजिकल डिले लंबा होता है,
चलो सर ये क्लियर हो गया। यानी प्री फ्लेम कंबशन मैंने आपको एक बार मोटे तौर में जनरल लैंग्वेज में आपको समझा दिया, ठीक है। अब इसकी अगर हमने स्लाइड देखनी है तो देख सकते हैं, मैंने इग्निशन के लिए प्री फ्लेम लिखा है, एट दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन इन सी आई इंजन द फ्यूल फ्रॉम इंजेक्शन सिस्टम स्प्रेड इन द कंबशन चैम्बर, स्प्रे कर दिया हमने फ्रॉम अ जेट, ड्यू टू एटमाइजेशन एंड वेपराइजेशन फ्यूल डिसइंटीग्रेटेड छोटे छोटे बूंदों में आ गया, एट द कोर विच इज सराउंडेड बाय एयर, एयर के साथ आ गया, यानी एयर और फ्यूल पार्टिकल मिक्स हो गए। इन दिस वेपराइजेशन प्रोसेस द फ्यूल गेट्स हीट, फ्यूल थोड़ा हीट लेगा तो यानी प्रेशर कम हो जाएगा, कंप्रेस्ड एंड हॉट सराउंडिंग एयर इट कॉजेज सम प्रेशर डाउन, देखो प्रेशर कम हो गया, वो ए से बी में मैंने शो किया। ए से बी के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर कंप्लीशन एंड वेपराइजेशन प्रोसेस प्री फ्लेम रिएक्शन में थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होने शुरू होगी, ड्यूरिंग द प्री फ्लेम प्रेशर इनटू द सिलेंडर स्टार्ट इंक्रीज, जो अब थोड़ी सी वो डीजल को आग लगी उसने थोड़ी हीट प्रोड्यूस कर दी विद रिलीज ऑफ एनर्जी, तो अब हमारा ये पॉइंट सी तक पहुंच गया। चलो सर ये हमें क्लियर हो गया, यानी प्री फ्लेम मैंने आपको समझा दिया, नोट्स आपको मिल गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं अनकंट्रोल्ड कंबशन में, व्हाट इज अनकंट्रोल्ड कंबशन। अनकंट्रोल्ड कंबशन बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको समझें तो, क्योंकि ये पहले दो पॉइंट ही थोड़े से टफ हैं, उसके बाद तो दो पॉइंट बिल्कुल ईजी हैं। तो ये डेफिनेटली स्कूल में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड में किसी भी, चाहे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, चाहे डिग्री है, चाहे डिप्लोमा है, ये पूरा आपको 10 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। चलो सर ठीक है, अनकंट्रोल्ड कंबशन क्या होता है? सर देखो अब क्या हुआ, ये मैंने पिस्टन सिलेंडर बना लिया, ये हमारा पिस्टन है, अब हमारा ए से लेके सी तक प्रोसेस ये ख़त्म हो चुका है, ए से सी हमारा पहला था, अब ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये जा रही है सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक जो हमारा है वो अनकंट्रोल्ड कंबशन। अनकंट्रोल्ड कंबशन क्या होता है सुनो, एक्चुअल में क्या हुआ, ये हमारे ग्रीन पार्टिकल्स थे डीजल के, हाँ जी सर थे, ठीक है ये हमारे डीजल के पार्टिकल थे, चलो सर ये क्लियर है, और ये हमारे जो मैंने पार्टिकल लिए हैं ब्लू कलर के, ये हैं मेरे एयर के पार्टिकल, ठीक है सर। अभी क्या आग नहीं लगी थी, ए टू सी आग नहीं लगी थी, अब सी के बाद आग लगेगी, लेकिन जो सी के बाद फायर लगेगी, क्या आपको लगता है ये येलो कलर की फायर बना देता हूँ मैं, तो फायर देखो मैंने मान लिया इस जगह आग लग गई, इस जगह आग लगी, इस जगह आग लगी, सर ये इधर इधर कौन कौन सी जगह आग लग रही है, देखो फायर उधर लगेगी पहले जहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर बहुत प्रोपोर्शनलेट होगा कि वहाँ पर इजीली आग लग जाए, जहाँ पर एयर ज़्यादा है फ्यूल कम है, जब फ्यूल बहुत ज़्यादा है एयर बहुत कम है वहाँ पर फायर नहीं होगा। यानी मैं कह सकता हूँ अनकंट्रोल्ड कंबशन में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, किस किस का सर, एयर एंड डीजल का। तो जहाँ पर हमें एयर फ्यूल मिक्सचर सही प्रोपोर्शनेट में मिल जाता है वहाँ पर हमारी फायर लग जाती है, तो यहाँ यहाँ पर आग लग जाती है, तो ये अनकंट्रोल्ड है, कहीं यहाँ आग लगी, कोई यहाँ आग लगी, कोई यहाँ आग लगी, जैसे मैं कह दूँ जैसे बम फूटते हैं ना, जैसे बम एक्सप्लोड होता है, तो वैसे एक्सप्लोजन होती है इन इन अलग अलग जगह पे, तो करके डीजल इंजन में आवाज़ भी ज़्यादा आती है, तो जैसे बम का धमाका होता है तो उसको हम कहते हैं डेटोनेशन, क्या कहते हैं हम, डेटोनेशन। तो आपने दो वर्ड सुने होंगे, डेटोनेटर एंड नॉकिंग, देखो आप किसी कमरे के बाहर जाके दरवाजे पे ठिक ठिक करते हैं तो उसको नॉक कहते हैं, तो नॉक हमेशा स्लो किया जाता है, हाँ सर ये ठीक है नॉकिंग हमेशा स्लो होती है, लेकिन जो बम का धमाका है वो बहुत बड़ा होता है, वो डेटोनेटर होता है। पेट्रोल इंजन में नॉकिंग होती है, यानी पेट्रोल इंजन की आवाज़ बहुत कम होती है, लेकिन वाइल इन द केस ऑफ डीजल इंजन डेटोनेशन, यानी बम के धमाके एक्सप्लोजन, जैसे ये मैंने येलो पॉइंट्स बनाए हैं इन इन जगह में हो रही है, तो दीज आर द केस, तो इसको डेटोनेशन कहते हैं। सर ये डेटोनेशन उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा डिले पीरियड ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूल आ जाएगा और उसको आग नहीं लगेगी, और एकदम कई जगह आग लगेगी तो वो अनकंट्रोल्ड कंबशन होगा। तो अगर मैं TDC के बाद की बातें हैं, अगर मैं ध्यान से आपको डायग्राम दिखाऊं, देखो ये डी पॉइंट टॉप डेड सेंटर से भी आगे जा चुका है, यानी अब पिस्टन वापस आने वाला है, डी जो पोजीशन है वो TDC से भी बाद की है, सर TDC के बाद की है मतलब है, यानी मैं बोलूँ यहाँ पर टॉप डेड सेंटर था, पिस्टन यहाँ पर पहुँच गया था, तो ये यहाँ पर काटा है, ये पॉइंट है वो, चलो सर ठीक है। अब ये दोबारा नीचे आ गया, तो ये जो पॉइंट है डी पॉइंट है, यानी ये डी थोड़ा टॉप डेड सेंटर से नीचे जा रहा है। चलो इसके बाद सर, इसके बारे में अगर अनकंट्रोल्ड में हमने पढ़ना है तो वो भी मैंने स्लाइड बनाई हुई है,
तो ये इग्निशन प्ले का कैरिड आउट था पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबशन। सर इसमें हम जल्दी से देखते हैं, दिस इज द सेकंड स्टेट ऑफ द कंबशन इन सीआई इंजन आफ्टर द अबव मेंशन डिले पीरियड, द एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इज ऑटोकनेक्ट। अपने आप देखो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा आग लग जाएगी, तो सेल्फ इग्निशन होनी शुरू हो जाएगी। द मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल इन सीआई इंजन इज हेट्रोजीनियस, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग होगा, एसआई में होमोजीनियस होता है तो करके वहाँ नॉकिंग होती है, यहाँ पर डेटोनेशन होती है। चल समझ में आ गया। ड्यू टू हेट्रोजीनियस फ्लेम्स अपीयर एट मोर देन वन लोकेशन, जैसे मैंने येलो कलर बनाया था आपका, वेन द फ्लेम फॉर्म्ड इन द मिक्सचर द अदर लो कंसनट्रेशन स्टार्ट्स बर्निंग। तो जहाँ पर कंसनट्रेशन, क्योंकि ये आग फैलेगी हौली हौली अलग अलग हर एक जगह जाएगी, तो जिससे ऑटो इग्निशन होगा, तो ये हीट ट्रांसफर के कारण होगा, एक जगह से हीट निकल के दूसरी तरफ जाएगी। दी एक्यूमुलेटेड फ्यूल ड्यूरिंग द डिले, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्यूल इकट्ठा होगा उतनी ज़्यादा आग लगेगी, तो उतनी ज़्यादा प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा, तो प्रेशर वेव जाके जब पिस्टन के धक्का मारेंगी तो वो डेटोनेशन मतलब आवाज़ करेंगी, जिसके कारण डीजल इंजन में आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, प्रेशर राइज हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें ड्यूरिंग दिस स्टेज यू कैन नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्निंग, अपने आप धमाके होते हैं, आप रोक नहीं सकते। दैट्स वाई दिस पीरियड इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड कंबशन रिएक्शन, दिस इज C2D। चलो सर ये हमें क्लियर हो गया। तो अभी हम आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी साइकिल है, जो लास्ट थर्ड वन साइकिल है, दैट इज कंट्रोल्ड कंबशन। तो सर कंट्रोल्ड कंबशन में क्या होता है? कंट्रोल्ड कंबशन में आप ध्यान से सुनते हैं, कंट्रोल्ड कंबशन एक ऐसा पीरियड आ जाता है जो मैंने यहाँ पर डायग्राम में डी से ई को शो किया, ये कंट्रोल्ड कंबशन है ये लिखा है। इसमें हमारे पूरे ये जो चैम्बर है, चैम्बर में बहुत बड़ी आग लग जाती है, हर एक जगह आग बढ़िया पड़ी होती है। तो अब क्या होता है इस कंडीशन में, जब ये अनकंट्रोल्ड कंबशन के बाद यहाँ पर हर एक जगह बढ़िया तरीके से आग लगी होती है, तो हर एक जगह मैं कहता हूँ टेम्परेचर बहुत बढ़िया है, तो जो अब आके डीजल ऊपर से गिरता है, जो मैंने मान लिया ये मैंने ब्लू कलर के डीजल बना लिए, सपोज ये डीजल आ गए, डीजल पार्टिकल, तो जैसे जितना हम डीजल डालते हैं उतनी ही यहाँ पर आग लग जाती है। बहुत मतलब ये कहने का मतलब है मास ऑफ फ्यूल एंटरिंग इक्वल टू फ्यूल ऑफ बर्निंग, मास ऑफ फ्यूल बर्निंग, जितना मास फ्यूल अंदर आ रहा है उतना ही वो बर्न हो रहा है, यानी ये कंट्रोल्ड रिएक्शन है, तो ये कंट्रोल्ड कंबशन है। चलो तो ये सर क्लियर हो गया। तो इसकी स्लाइड भी देख लेते हैं, कंट्रोल्ड कंबशन में मैंने क्या लिखा है, तो वो आप देख लीजिए। ये कंट्रोल्ड कंबशन में लिखा है, व्हेन द एक्यूमुलेटेड फ्यूल ड्यूरिंग द डिले पीरियड कम्प्लीटली बर्न, वो बर्न हो चुका है इन द अनकंट्रोल्ड कंबशन, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत बढ़िया राइज हो चुका है इन द सिलेंडर, तो जो सो द न्यू इंजेक्टेड फ्यूल, जो नया फ्यूल डाला है नोजल ने, वो बर्न्स रैपिडली, साथ में ही आग लग जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सफिशियंट ऑक्सीजन इन द कंबशन चैम्बर। दैट्स द रीज़न वी कैन कंट्रोल द राइज ऑफ प्रेशर, इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, जितना डीजल डालेंगे उतनी ज़्यादा बर्निंग होगी, उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा और पिस्टन अब नीचे की तरफ जा रहा है। चलो सर ये अभी हमें क्लियर है। जो लास्ट स्टेज आ गई हमारी, वो लास्ट स्टेज है हमारी, दैट इज़ नोन एज एफ ई टू एफ, ये ई से लेके एफ तक, ये है आफ्टर बर्निंग। ये आफ्टर बर्निंग बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फ्यूल होती है, कोई ना कोई पार्टिकल जो ये फ्यूल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, वो पूरा थर्मली डिकम्पोज नहीं होता, यानी उसको ना तो अनकंट्रोल्ड में, यानी सी से डी तक नहीं आग लगती, डी से ई तक आग नहीं लगती, लेकिन ई से लेके एफ तक, अब कोई हम डीजल, क्योंकि देखो ई पर हम डीजल डालना बंद कर देते हैं, लेकिन ई से लेकर एफ तक फिर भी आग लगती रहती है। दोबारा से देखो, हमने डीजल सिर्फ डी से लेके ई तक डालना था, तो डी से लेके ई तक डीजल डाला, ई के बाद डीजल कोई नहीं डाला, लेकिन कोई भी पार्टिकल अभी डीजल के अनबर्न्ड रह जाते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं हो पाती उन पार्टिकल्स की, उनको टाइम लगता है डिकम्पोज होने को, तो जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो जो हमारा फ्यूल है वो बर्न होता है, तो ई से लेके एफ तक बर्न हो जाता है, फिर भी एफ तक भी पूरा बर्न नहीं हो पाता, यानी कई फ्यूल पार्टिकल्स जिसको अभी आग नहीं लगी वो हमारे एग्जॉस्ट में वैसे ही निकल जाते हैं। दैट इज़ बेसिकली लॉस, यानी हमारा फ्यूल लॉस हो रहा है और पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स रह रहे हैं हमारे। तो ये लास्ट स्टेज देखते हैं, दिस इज द लास्ट स्टेज आउट ऑफ द फोर स्टेज, नेचुरली कंबशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है हमारी, तो क्योंकि अब हमने फ्यूल नहीं डाला। व्हेन द मैक्सिमम प्रेशर इज स्ट्रेन एट ई, ये आपने फिगर में लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली द बर्निंग ऑफ द फ्यूल इन द कंबशन चैनल रिमेन्स टू कंटिन्यू ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो रहा है, अभी भी बर्निंग हो रही है। The main reason behind it is the reassociation of dissociated gases and unburned fuel. जो unburned fuel जो thermal decompose नहीं हुआ तो वो अभी भी पड़ा है, उसके साथ जो gases हैं high temperature के वो mix होती हैं और आग लग जाती है। This is known as after burning. तो ये चार stages थी आपकी। तो
तो समरी में इन्होंने लिखी है कि वी हैव डिस्कस फोर स्टेजेस. तो आपको पहले फोर स्टेजेस का नाम पता होना चाहिए, इग्निशन डिले, पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबशन, पीरियड ऑफ कंट्रोल्ड कंबशन, देन आफ्टर बर्निंग. तो मुझे लगता है अब आपको ये सब क्लियर है. तो ये जो एक्चुअल प्रोसेस है, एक बार मैं इसको आपको रब करके बताता हूँ, व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोसेसर. तो ये एंगल चेक कर लेना, ये जो आप फ्यूल इंजेक्ट करते हैं वो टीडीसी से 20 डिग्री पहले करते हैं. चलो सर ये हमने देख लिया, वो अब इतना तो आप भी देखेंगे. ये जो प्रोसेस है, ये वाली देखो मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ, ये वाली प्रोसेस है. अभी एयर कंप्रेस हो रही थी, अभी हमने फ्यूल डाल दिया, तो ये फ्यूल को आग नहीं लगी, अभी फ्यूल को आग नहीं लगी. फ्यूल को अब आग लग गई, ये सी से लेकर डी तक, ये लेकिन अनकंट्रोल्ड थी. डी से लेकर ई तक जितनी आपने फ्यूल डाला उतनी ही आग लगी, यानी ये फिर येलो है. ई के बाद एफ जो पार्टिकल्स रह गए, अब भी आग लग रही है, यानी ये आग लग रही है. यानी मैं कह सकता हूँ सी से लेकर एफ तक आग लग रही है, एफ के बाद कोई आग नहीं लगेगी. यहाँ पर अब जो पार्टिकल बर्न नहीं हुए वो अब एग्जॉस्ट में वैसे ही निकल जाएंगे. तो दिस इज़ आवर कंप्लीट साइकिल. थैंक्स फॉर द डे.